लोगों से दूर रहे दोस्तों, टाइम पास लोगों से बच के रहें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऐसे वेले बंदे होते हैं जिनके पास फुल टाइम होता है और आपके साथ भी टाइम पास कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें, सावधानी बरतें, क्योंकि देखो कई बार ऐसा होता है कि टाइम पास के चक्कर में आप अपना टाइम भी बहुत ख़राब कर जाते हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। अगर आप भी ऐसे चीज़ों का शिकार हो रहे हैं तो सावधान बरतें। दोस्तों, मैं दीक्षा अपने चैनल पर आप लोगों को स्वागत करती हूँ और आपको मेरी वीडियो अच्छे लगते हैं लाइक सब्सक्राइब से कमेंट जरूर करें। कई बार कुछ लोग सोचते हैं कि चल इसके साथ टाइम पास कर लेता हूँ, मेरा अच्छा खासा जो 24 घंटे का टाइम है वो बीत जाएगा, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उस 24 घंटे में अगला बंदा भी परेशान हो सकता है और आपके साथ एक कनेक्शन बना सकता है जो कभी टूट ही नहीं सकता। क्योंकि ऐसे रिश्ते कई बार आप तोड़ने की कोशिश करते हो नहीं टूटता, क्योंकि आपको आदत लग जाती है। सपोज आप कल से किसी से रोज़ बात करो, सुबह शाम दोपहर कॉल पे वीडियो कॉल पे फेस टू फेस, तो पक्का है कि आदत लग जाएगा। और एक बार किसी चीज़ की आदत लगती है ना तो उसे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है सच में। तो कभी आपको लगता है कि ये बंदा मेरे साथ टाइम पास कर रहा है या मेरे साथ टाइम पास कर रही है ना, तो बिल्कुल ऐसे इंसान से दूर रह कतई, क्योंकि आप ऐसे इंसान से वो हर एक बात शेयर करते हैं, चाहे पर्सनल हो प्रोफेशनल हो, और ऐसे में आप इमोशनली एक कनेक्शन भी बना बैठते हैं जो आपको बाद में पता लगता है कि मैं क्या गलती कर बैठा हूँ। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि अपना मनोरंजन के लिए किसी से भी कनेक्ट हो जाते हैं, किसी से भी बात करने, कभी आज उसको बात कर लिया फंसा लिया, कभी उसको बात कर लिया, किसी और से बात कर लिया, यानी सोचते ही नहीं है कि ये कर क्या रही है। उनको पता ही नहीं होता कि वो जीवन में करना क्या चाहते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि ये कर क्या रहे हैं। तो ऐसे इंसान बच के रहें। आप किसी से भी नए बंदों से अपनी सारी बातें ना शेयर करें, क्योंकि अगला बंदा जो है ना वो आपकी फीलिंग को समझकर आपको हर्ट कर सकता है, आपकी फीलिंग को समझकर भी आपको ठेस पहुंचा सकता है। तो ऐसे बंदों से ना दूरी बना के रहें आप। कई बार ऐसा होता है, कुछ लोगों को मैंने देखा है एक दिन में पूरी घर की कहानी खोल बैठते, मेरे घर में तो फ्रिज है, मेरे पास तो फ़ोन है, मैं तो 4 बजे कोचिंग जाती हूँ, मैं 2 बजे सोती हूँ। यार अपनी जीवन चर्चा क्यों किसी को बताना स्टार्टिंग में, या अनजान लोगों को अपनी बायोडाटा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम क्या कर रहे हो क्यों किसी को बताना, वो तुम्हारा घर चला रहा है, नहीं ना। तो ऐसे गलतियां बिल्कुल भी आप ना करें, अगर कर रहे हैं तो सावधानी बरतें। चिल्ड्रन बब्बा, फिर मिलते हैं।